कॉपी में क्यों नहीं है? देखी नहीं आपने कॉपी, फेयर कॉपी आपकी? करना उसको नदियों का जल अमृत के समान है।
सोने के समान सुशोभित है, सोने के समान सुशोभित है यह भारत देश, इस संपूर्ण भूमि पर, यह भारत देश इस संपूर्ण भूमि पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, दूसरा नंबर यह भारत देश केशव, यह भारत देश सेकंड वाला है ना, यह भारत देश त्रिशूल कॉमा करते जाना, त्रिशूल के बाद कॉमा अग्नि कॉमा, यह भारत देश त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि, यह भारत देश त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों मिसाइलों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। तीसरा, वीरों द्वारा भोगी जाने वाली कर्म से सेवा की जाने वाली कौमा संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली त्योहारों और उत्सवों वाली
गौरवों वाली यह भारत भूमि, यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में, यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में, स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। चौथा, ज्ञानियों की कौमा वैज्ञानिकों की विद्वत जनों की भी तमेधा धनुष कादा फिरता विद्वत जनों की सुसंस्कृत लोगों की अनेक मतों को मानने वालों की यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। पांचवा, शिल्पकारों यंत्र विद्या कॉमा करते जाना, शिल्पकार के बाद कौमा यंत्र विद्या कौमा नहीं, शिल्पकारों यंत्र विद्या जानने वालों, ऐसा लिखो, शिल्पकारों यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सिका अच्छे प्रबंधकों अभिनेताओं अभिनेत्रियों और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। मिस लास्ट लाइन सब स्वाभाविक में समय आ रहा है तो क्या मिस लास्ट लाइन सबकी सेम है। हाँ मिस लिख नहीं लिख एक में लिख दी पार्टी
आपको जैसा समझ में आ जाए आप ऐसा करो, याद आपको करना है। अच्छा आपको एग्जाम का पता कर रहा हूँ, 20 से और 10th और 9th की शायद परसों से 13 से है ना। चलो छठा लिख लो, यह भारत भूमि हाथियों, यह भारत भूमि हाथियों शेरों, यह भारत भूमि हाथियों शेरों कॉमा करना, नदियों पर्वतों मयूरों तोतों, अरे तोता होता है ना, तो तोतो करो बहुत सारे हो जाएंगे ना, कॉमा कोयल आदि और कोष्ठक में लिखना, कोष्ठक बनाओ सभी प्रकार के जीव जंतुओं, कोष्ठक में लिखना है जो अभी बोल रहे हैं, सभी से कोष्ठक में डालना है ना, सभी प्रकार के जीव जंतुओं वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा, तथा भौगोलिक दृष्टि से, तथा भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से मनोरम के बाद कोष्ठक बंद कर दो, मनोरम कोष्ठक बंद, धरा यह भारत देश संपूर्ण भूमि पर, यह भारत देश संपूर्ण भूमि पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान। फेयर कॉपी में सारे श्लोक लिखना, किताब भी तो खोलो, और है पाठ तो होगा ना, क्वेश्चन सर होंगे उल्टे पुल्टे, नहीं अब अगली बार अच्छे से लेना बेटा, बुक चेक करना पहले। चलो इसके क्वेश्चन सर कर लेना, जनानाम और चौथे में पहला सिखी नाम और लास्ट में आ जाए बहुना, ठीक है। श्लोका मेलनम कृत्वा लिखर 4 5 2 1 3 4 5 2 1 3 डायग्राम बनाना नहीं, इतना समय नहीं है आपके पास, है ना।
ये क्वेश्चन सिर्फ आपको बुक में फिल करना है, फेयर कॉपी में भी नहीं लिखना है। नहीं करना, बस दो तक, ये फर्स्ट वाली करना। नहीं नहीं, ये तो सारे करना पड़ेंगे, सिर्फ ड्राइंग वगैरह जब वो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो रहने दो। एग्जाम में सभी करना है, लेकिन ये ड्राइंग वगैरह नहीं करना है। अरे ये भी करना है, चौथा भी, लेकिन ये सिर्फ हम जो बता रहे वैसे करना। खालिस्तान है ना, जैसे खालिस्तान दिए वैसे खालिस्तान ही करना, ड्राइंग वगैरह मत बनाना। पहला अश्विन चित्र एक नदी बहती, अरे लिखना उसमें नदी, नदी लिखो, खालिस्तान है ना वो। तो संस्कृत में नदी कैसे लिखते हैं? नदियां। नदी लिखो फिर। क्या बच्चे ने पहला नदी हा में आएगा, और या बुक में फिल करना, लेकिन है ना खालिस्तान पेन कॉपी में नहीं लिखी। चौथे नंबर का क्वेश्चन, और लेकिन किसी के पास तो बुक ही नहीं है, और एग्जाम में आ जाए तो फिर याद कैसे करोगे? लिखो फिर आप लोग। बोर्ड की नहीं आ रही समझ, पांचवे नंबर का क्वेश्चन जो है नंबर डालो, 3, 4, 1, 5, 2, 6 पहले में आएगा अस्त्राणी प्रयोग, अस्त्राणा भौतिक सैनिक, और लास्ट में आ जाएगा उपग्रहणा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है चित्र दृष्टवा संस्कृत है पंच वाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर पांच वाक्य लिखना है, लिख लोगे? मैम हिंदी में लिखते हैं। हिंदी नहीं, मैं संस्कृत है, अभी आप संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत की बात करेंगे, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस कुछ नहीं। चलो लिखो, बुक फिल कर लो, हम बोल रहे हैं आप बोर्ड पे नहीं, हर चीज बोर्ड पे लिखेंगे तो लिखना कैसे सीखोगे फिर? देखो हे इदम, इदम दीपावली पर्वस्य दृश्यमस्ति, इदम दीपावली पर्वस्य दृश्यम अस्ति। इदम दीपावली पर्वस्य दृश्यम अस्ति। दूसरा लिखो, सर्वे जना, जना में सर्व लगाना है, सर्वे जना प्रसन्न सन्ति, सर्वे जना प्रसन्न सन्ति। तीसरा अनेका दीपका प्रज्वलन्ति, अनेका दीपका प्रज्वलन्ति। चौथा सर्वे जना, सर्वे क्या, सर्वे लिखना नहीं आता, प्र बनाया, प में आधा रो, आधा ज जग वाला, फिर व बक का, ल लट्टू का, आधा न ता तरबूज में छोटी की मात्रा, प्रज्वलन्ति हो गया। चौथा लिखो, सर्वे जना नूतनानी, नूतनानी का मतलब क्या होता है? नए। सर्वे जना नूतनानी, न में उ की मात्रा, ता तरबूज का न में आ की मात्रा, फिर न में छोटी की मात्रा, नूतनानी, सर्वे जना नूतनानी वस्त्राणि, अ
अभी जोर से बोल के मत लिख ना, आके मुंह पे चाटा पड़ेगा। आवाज सिर्फ हमारी आनी चाहिए, आप लोगों से पूछो जो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए बोलेंगे। अधारियन अ धा धनुष में आ की मात्रा र या यज्ञ का और न नल का। अधारियन पांचवा वाला देखो, तेषाम तेषाम ग्रहम तेषाम ग्रहम सुसज्जति सुसज्जितम अस्ति, घरों को सजाते हैं ना सज्जितम, तेषाम ग्रहम सुसज्जितम अस्ति। अब है आ वाला चित्र दृष्टवा संस्कृत पंचवाक्य नहीं लिखा, अब ये कौन सा चित्र दिया है रक्षाबंधन क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा आपका, क्योंकि वो चित्र वित्र बनाने पड़ेंगे तो रहने दो, सातवां भी रहने दो ठीक है। चलो चतुर्दश ले लो, आज कोर्स कंप्लीट करना है ताकि आपका रिवीजन ग्रामर का भी कुछ लिखवाना है तो क्या एग्जाम के बाद करें? क्या हो रहा है, बगैर डांट खाए समझ में नहीं आती क्या? थोड़ा सा लंच करके आए करो ताकि यहाँ डांट खाने की इच्छा नहीं करो, है ना। पढ़ा है आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों ने? ये वाला 103 ही है ना, अरे आपके अलग है पेज नंबर, ये देखो। यदा से यदा पृथ्वी छाया पाते मिला, मिला
टीचर ने हमें को मिल गया यस प्लीज ये आएगा मोती तक चंद्र ग्रहण मोती चंद्र ग्रहण मोती पीछे मिला मैंने आपको हाँ यदा से भौती तक फिर गा उसी के आगे जहाँ भौती खत्म हुआ उसी के आगे देखो पृथ्वी सूर्यायो मिला यहाँ से गा दृश्यते तक आ जाएगा सूर्य ग्रहण दृश्यते तो ये घ हो गया तीसरा अभी चौथा जहाँ से ये खत्म हुआ समाज लिखा है समाजे नूतनानाम विचारणाम यहाँ से तो नीचे की लाइन में लिखा है विरोध अभवत यहाँ तक हो जाएगा ये चौथा आपका ठीक है फिर पांचवा उसी में देखो आधुनिक वैज्ञानिक मिला इधर पीछे बेटा आप लोगों को पांचवा मिला उसको बताओ हाँ ये आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन शिक्षण सिद्धांत समाधान प्रकटित यहाँ तक लगाओ फिर उसी के नीचे लिखा अस्माकम प्रथमो उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम ये वाला भी लिखना ये दो वर्ड नहीं लिखना अपूर्णा वाले में अस्मादेव कारणा ये नहीं लिखना है बाकी यहाँ से यहाँ तक प्रथम तक आएगा ठीक है तो ये आपके गुण वाक्य भी हो गए प्रश्न निर्माण पहले में कस्या क्वेश्चन नंबर तीसरा कस्या हाँ में आएगा आपका कया ये बुक में फिल कर लो बेटा ना बाद में घर जाके कर लेना फिर को के और न वाले में आ जाएगा कयो ठीक है इसके नंबर लिख लो चौथे के पांच तीन चार दो एक तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है पांच तीन चार दो एक पांच तीन चार दो एक हाँ अब पांचवे नंबर का क्वेश्चन है पांचवे में आएगा ग्रंथ जो खाली स्थान है ना वही लिख रहे हैं ना बेटा प्लस अयम शब्द आपकी बुक में उसमें से कर लेना
यस आप कर दे यस प्लीज। तीसरा भी हो गया ना, तीसरा साफ कर, ये हो गया यस मैम। Okay. Check the complete. Sure.